गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। ये है रक्षाबंधन की सेकंड डे की वीडियो, मायके वाली वीडियो। यहाँ पे हम सुबह उठ के पतीड़ बना रहे हैं और बनेगा साथ में लौकी का हलवा। भी कद्दूकस किया जा रहा है। दोनों सिस्टर, बड़ी और छोटी, दोनों बना रहे हैं ये सुबह उठ के यहाँ पे। और आग भी जला दी गई है चूल्हे में, क्योंकि बच्चे को पानी गर्म करना पड़ेगा। सोलर गीज़र में आज पानी गर्म नहीं है। और ये पतीड़ बनाए जा रहे हैं। ये जो किचन है ये सर्दी वाला किचन है, गर्मियों का किचन दूसरा है आगे को। तो ये जल चुकी है आग और यहाँ पे बन रहा है हलवा, भी आग पे ही बन रहा है क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। और ये लौकी का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका वही है जैसे दूसरे हलवा बनता है। और छोटी वाली सिस्टर को नहीं आता था बनाना, तो ये यहाँ पे बना रही है। और इसमें पहले घी पड़ता है, सेम जैसे दूसरे हलवे में पड़ता है। और मैं अब दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे व्यू। व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि ये जो मकान है ये थोड़ा टॉप पे है और यहाँ से चारों साइड दिखता है। बहुत ही अच्छा व्यू है। और सामने नीचे सतलुज दिख रही थी। और ये इधर का एरिया है दलाश साइड, और ये इधर निर्मण साइड है, नीचे सतलुज दिख रही है। और उसके बाद हम आ गए थे सिस्टर के घर पे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मायके से 1 किलोमीटर दूरी पे है बड़ी वाली सिस्टर, और इनके बेटे की शादी है तो घर को रेनोवेट किया जा रहा है। और ये पेंट हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत रहा भी है पर कुछ कमरों में हो गया है। तो ये दो कमरे हैं जो हमें इनकी सेटिंग करनी है। ये ऐसे ही पड़े थे क्योंकि पेंटर लगे थे और ये बीच में यहाँ से दोगरी चले गए थे, तो ये साफ़ करने को ऐसे ही थे रूम। फिर हमने वहाँ पे प्लानिंग की कि चलो हम चलते हैं, अब आए हैं घर से तो चलो थोड़ा साफ़ सफाई करके चले जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं सफाई रूम की। और उसके बाद दोनों कमरे की सेटिंग करके रख देंगे और फिर घर चले जाएंगे। और फिर बाद में देखेंगे, कभी बीच में और भी काम होगा तो फिर से आ जाएंगे। जहाँ भी देखो सारा जोर जमाई का ही काम, घर में भी बाहर जाए तो इतना ही नहाने आए थे। नानी कौन? चलो इधर चलो, नानी ने थोड़ा दिमाग से कराना था हमसे, पता है दिमाग में नहीं पास हमसे ज्यादा कोई नहीं था। हाँ, कपड़े निकालने निकालने थे, नानी ने हमारे से बाहर ऐसे निकाल रहा था। ये तो मार है, शाबाश, हम कामयाब हो गए अपने मकसद में। पूरा है कारपेट? कारपेट भी पूरा है, कोई कमी नहीं है यहाँ निकाय, शुक्र है। हाँ, नहीं तो कमी कमी कमीशन पूरी। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हाँ, उफ, विक्की भी चला के मेरी नहीं माला। हम काम कर रहे, इतना भारी भारी काम कर रहे ना, हम ऊपर था बेंच एक से बोली हम तो ये बाबा ली और इसमें सामान है।
थोड़ा तिरछा काटा है। तो इस तरह से रूम की सेटिंग हो चुकी है। अब रह गया ये कपड़े जो हमने धोए हैं। अब इसमें अब ये गुलाब लगाने पड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ घर। और जो ये घर है ये 1970 के घर बने हैं। ये उस टाइम ये इस तरह के घर बनते थे लकड़ी के, जिसको डबल स्टोरी कहते थे। ये 3 मंजिला मकान होते हैं, लकड़ के मकान थे। अब इसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन, जो कि जिसकी रिपेयरिंग तीसरी बार हो रही है, क्योंकि दीदी की शादी से लेकर अपने बच्चे की शादी तक तीसरी बार इस किचन को रिपेयर किया जा रहा है। और जब पहली बार भी बनाया गया था तो ये अच्छा किचन था, मतलब ज़माने के साथ बहुत ही अच्छा था, खुला था, चिप्स पड़ी थी, मतलब वॉल में टाइल्स भी लगी थी जितनी लगती थी पहले, थोड़ी सी वहीं पे जहाँ पे खाना बनता है। अब तो पूरे पूरे किचन में लगाते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से इसको किया गया था, ये तीसरा टाइम है। अब तो पैलिंग हो रही है, खैर अब तो लकड़ का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत होती है, पैलिंग तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में। और ये इस तरह से बन रहा है अभी किचन, अभी कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा था, हम भी पहली बार गए हैं आज देखने। और ये बच्चे को लेके ये आ गई है किचन में। तो इस तरह का बन रहा है ये किचन, जब ये कम्प्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये है बरांडे का रास्ता इधर से। लकड़ के मकान बहुत अच्छे होते हैं वैसे, क्योंकि बरसात में सिलन नहीं आती है, मतलब नहीं तो सीमेंट वाले घरों में तो स्मेल आती है कपड़ों से बरसातों में। और ये कपड़े अभी बिखरे पड़े हैं, अभी सेटिंग नहीं हुई है, तो हम लगाएंगे अब गुलाब। और यहाँ से मैं फिर से व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आजकल। इसमें उतना दिख नहीं रहा है कैमरे में, ऐसे ही देखो तो बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये दिखा रही हूँ मैं कमरा, जो जिसकी सेटिंग हो चुकी है। इस तरह से लगाए हैं ये बेड, कमरे अच्छे हैं, खुले हैं, हाइट भी ठीक है, बेशक मकान थोड़ा पहले का है, उतना भी नहीं है। और ये लग रहे हैं अब गुलाब। से अलमारी में सेट कर दिए गए हैं सारे कपड़े। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शाम को हम आ गए थे वापस, और दिखा रही हूँ मैं अपना लॉन, जिसमें आजकल बहुत अच्छे फूल खिले हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू।